हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे गॉड मोड के बारे में। कैसे विंडोज पीसी में गॉड मोड एक्टिवेट करते हैं। ये सेटिंग आप विंडोज 11, विंडोज 10 और विंडोज 7 तीनों में अप्लाई कर सकते हो। सभी में सेम मेथड है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नई नई टेक्निकल वीडियो के लिए। तो जानते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले गॉड मोड एक्टिवेट करने के लिए एक फोल्डर बनाएंगे। तो डेस्कटॉप पर खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर जाएंगे और फोल्डर को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये गॉड मोड कोड है, इसको कॉपी कर लेंगे। और ये कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद ये जो फोल्डर बनाया है इसको रीनेम करेंगे और कॉपी किया हुआ कोड है उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये आइकन चेंज हो जाएगा कंट्रोल पैनल की तरह। उसके बाद इसको डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद ये विंडोज़ की 204 सेटिंग्स है, उनको आप डायरेक्ट यहीं से एक्सेस कर सकते हो। जैसे चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, जैसे ये न्यू लोकल सर्विसेज है, जैसे ये फायरवॉल स्टेटस है, जैसे ये क्रिएट एन अकाउंट है, इस तरह से आप गॉड मोड एक्टिवेट कर सकते हो और विंडोज की सेटिंग का पैनल एक ही जगह एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और नई नई टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।